नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तिलकराज। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं मेरे ऑनलाइन मंगवाए हुए नर्सरी से कुछ पौधे, तो जिसकी वीडियो आपने देखी भी होगी दोस्तों ने, और बार बार मेरे पास कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं और ज़्यादातर वो यही कह रहे हैं कि अपने पौधों की, जो आपने ऑनलाइन पौधे मंगवाए उनकी एक वीडियो बना के दिखाओ कैसी हालात में है इस समय। तो मैंने उनका मान रखते हुए दोस्तों का ये वीडियो बनानी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैंने इस बार अपना मूड चेंज करा है, और पहले तो मैं सब्जियों के पौधों लगाता रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा मैंने चेंज करने के, मैंने कहा अपना बगिया चेंज करें और इस पर कुछ फ्रूट के पौधे लगाएं, और फ्रूट के पौधे लगा के फिर देखें कि कौन कौन सा फ्रूट हमारे पॉट के अंदर टेरेस गार्डन में लग सकता है। तो जो भी मेरा दोस्त ये वीडियो देखे जिनके यहाँ टेरेस गार्डन पे जो पौधे लगाने जा रहा है, कोई फ्रूट के लगाना चाहता है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही कामयाब होगी, उनके मतलब की होगी। तो नए साल से लेके अब तक 20-25 पौधे मैं फ्रूट के मंगवा चुका हूँ। कुछ पौधे ख़राब भी हो गए हैं, कुछ डोरमेंसी से बाहर निकल गए हैं और कुछ अभी डोरमेंसी में चल रहे हैं। तो जो चल रहे हैं वो थोड़ी लेट मंगवाए थे, जो निकल गए हैं वो जनवरी के महीने में ही मंगवा लिए थे। तो सबसे पहले तो ये स्टार फ्रूट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये स्टार फ्रूट है मेरा। तो ये डोरमेंसी से बाहर निकल ही जाएगा, और उसके बाद ये जैक फ्रूट है, अर्ली जैक फ्रूट, तो इसकी भी कंडीशन सही है, ये भी ठीक चल रहा है और ये भी जल्दी निकल जाएगा। इसके साथ में ये भी जैक फ्रूट है, इसका एक भी पत्ता नहीं है, बिल्कुल डंडी रह गई है, और 50-50 इसके चांस हैं, ये इसकी बडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके बाद ये ऑल टाइम गुआवा अमरूद का पौधा है, तो इसकी कुछ कंडीशन 3-4 दिन में ठीक होने लग रही है, पहले काफ़ी डंडी झुकी हुई थी, अब ये धीरे धीरे ऊपर को उठने लगी है, और ये भी जल्दी अपने रंग में आ जाएगा। और ये ऑल टाइम मैंगो है, तो ये भी छोटा सा पौधा है, मेरे ख्याल 7-8 इंच का पौधा है, तो ये भी ठीक कंडीशन में चल रहा है। और ये एप्पल बेर का पौधा है, इसको काफ़ी टाइम हो गया लगवाए हुए, दो पौधे मंगवाए थे, एक पौधा टूट गया, बच्चों ने गेंद मारी और पौधा टूट गया, इसकी डंडी टूट गई, और इसकी लग रहा है कुछ बटिंग होने लग रही है, अगर आप ध्यान से देखो थोड़ी तो उसकी कुछ बटिंग होने लग रही है, तो लगता है ये जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगा ये पौधा। और ये स्टार फ्रूट का पौधा मंगवाया था, ये बिल्कुल डंडी रह गई है, सूख गई है, और इसके भी 50-50 चांस हैं, लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है। तो जितने भी ये पौधे मंगवाए हैं मैंने, आपकी कंडीशन दिखा दी, इनमें 2 या 3 पौधे नहीं लगेंगे, मर सकते हैं, उसके अंदर हमारी गलती नहीं है, ये पीछे से पौधा ही ऐसा बेचते हैं ऑनलाइन वाले नर्सरी वाले, तरोताज़ा पौधा बेचते नहीं हैं, अगर हम खुद जाएं तो छांट के लेके आए नर्सरी से। तो दोस्तों, उसके बाद ये 2 एप्पल बेर के पौधे हैं, ये भी दिखा दूं मैं आपको, तो ये एप्पल बेर के पौधे हैं ये 2, तो ठीक ठाक कंडीशन में है,
और ये भी कोमा से बाहर निकल जाएंगे। और उससे पहले मैं ग्रीन लाइन नर्सरी से चार पौधे मंगवाए थे, चारों ही कोमा से बाहर निकल गए हैं, चारों अच्छी फिटिंग करने लग रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन नर्सरी वाले पौधे तो बेचते हैं, ठीक ठाक ही होते हैं, लेकिन कोई कोई पौधा उनका ख़राब भी हो निकल जाता है। तो इनके ऊपर दोष देना भी बेकार है। और अभी एक और कुरियर आने वाला मेरा, तो एक कोई दोस्त है अराइवल की बगिया, उन्होंने सुझाव दिया था कि चिंतामणि नर्सरी से मंगवाना पौधे, उनके बड़े और बढ़िया होते हैं। तो इस बार उनको ऑर्डर दे रखा है, तो आने वाले चार पाँच दिन के अंदर उनका ऑर्डर पार्सल आ जाएगा, तो उनकी भी अनबॉक्सिंग करनी है। और धीरे धीरे अपने गार्डन के ऊपर ये फलों वाले पौधे की संख्या बढ़ाने लग रहा हूँ। तो फिलहाल तो मैं आपको यही पौधे दिखा रहा हूँ जो उगवा रखे हैं, और जो जो पौधे डोरमेंसी से निकल गए हैं वो मेरे इस छत के ऊपर इस तरह लगे हुए हैं। तो उसकी जो वीडियो है जल्दी बना के दिखाऊंगा कैसे कैसे लग रहे हैं वो पौधे, और कितने बड़े हो रहे हैं, और क्या क्या उस पर आ रहा है। तो जो वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है फ्रूट वाली उनके बड़े मतलब की होगी, और उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों चलता हूँ मैं, कल आपको दिखाऊंगा जो मेरे पौधे डोरमेंसी से बाहर निकल चुके हैं उनके कैसे हालात हैं, उन पे क्या क्या आ रहा है।